कल्कि अवतार ले चुके हैं जन्म। कल्कि अवतार के चार जिंदा सबूत। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के आने के चार जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है। लेकिन कहाँ है ये सबूत और क्या है इसका राज, आइए जानते हैं सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए जानते हैं इन सवालों का राज। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीरकर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है, आखिर वह सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। ये सभी चीजें उन्हें और कोई नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित है और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में रक्षा करेंगे। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, कली पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म्य पदार्थ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियाँ और कलयुग में इसी ब्रह्म पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार कलि पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो उसका जिक्र हमें भागवत पुराण में स्कंद 12 के अध्याय 2 में एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के अनुसार यूपी के संभल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह अपने माता पिता के पांचवी संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त घोड़े पर बैठकर अपने दिव्य तलवार से पापियों का अंत करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की दो पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। दोस्तों, भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे माता रानी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, परंतु वो संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन महाकाली माँ सरस्वती और माँ भगवती विराजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर यह भी बताया कि उनके घर में दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक किरदार निभाएंगे। दोस्तों, आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्चे की किलकारी गुंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में कुछ समय बीतने पर जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को पहचान लिया। उन्होंने प्रणाम किया, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर वह नाम दिया। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम से उसके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओ तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहाँ से चले गए।
समय बीतता चला गया और देवी त्रिकुटा भगवान राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई तपस्या कर रही थी। तभी एक दिन त्रिकुटा के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वे पहले से ही प्रभु श्री राम की हो चुकी है और किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तभी श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह समय सही नहीं है, इस युग में तो नहीं लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अगर वह उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करेगी तब कलयुग में मैं आपको कल के अवतार में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद देवी ने त्रिकूट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और शरीर का त्याग करके तीन मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब कलि पुरुष का नाश करने के लिए अवतार होगा तब वे देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वहीं भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, साथ ही जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।